अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलशाद अहमद, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम CS 101 के मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, हम उनको भी देखेंगे। वीडियो के शुरू में आपको बताता चलूँ कि आपने पास्ट पेपर को एंड में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 सेशन से ग्रैंड क्विज हो रहे हैं और कोरोना की वजह से, और हमने सिर्फ MCQ से तो पास नहीं होना ना, हमने सब्जेक्ट भी करना है। तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और आपको कंप्लीट स्टडी प्रोग्राम बताऊंगा, और लेक्चर के एंड में हम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स भी ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम CS 101 की मिड टर्म की तैयारी कैसे करें? पहले तो आपको चाहिए कि जो लेक्चर आते हैं LMS पे, उनको हैंड आउट्स और लेक्चर को मुकम्मल तौर पर देखें, और उनमें जो बोल्ड पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स बोल्ड किए होते हैं, उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अक्सर उन्हीं में से MCQs और शार्ट क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो अगर आप कंप्लीट लेक्चर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसके अलावा अगर जो क्विज़ आपको दिए गए हैं, जो आप करते हैं या असाइनमेंट जो हल करते हैं, उनको एक मरतबा ज़रूर रिव्यू करें, क्योंकि उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन मिड टर्म में आए हुए होते हैं। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं लिए तो YouTube पे बहुत से टीचर ने शॉर्ट लेक्चर दिए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर एक मरतबा देख लें, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो भी लेक्चर आप लें, चाहे शॉर्ट लेक्चर लें YouTube से या कंप्लीट लेक्चर लें, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें, तो जो आप जब आप रिव्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो मिड टर्म देने से पहले जो नोट्स आपने बनाए हुए होते हैं, उनको एक दो मरतबा ज़रूर रिव्यू कर लें, और आपने तमाम हैंड आउट्स और लेक्चर को रिव्यू करके जाएँ। और अगर आपने अभी तक कोई एक लेक्चर भी नहीं लिया क्योंकि अपनी मसरूफियत की वजह से, तो YouTube पे बहुत से टीचर्स ने लेक्चर दिए हुए हैं, तो उनके इम्पोर्टेंट लेक्चर देख लें, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो और एंड में आपने पास्ट पेपर एंड में रखने हैं, एंड में पास्ट पेपर को देखें और जो MCQs आए हुए होते हैं पास्ट पेपर में, उनको देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मिड टर्म में कैसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि CS 101 के कौन से लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। ये आप देख लें कि मैंने टॉपिक और उनकी डिस्क्रिप्शन ली हुई है। आप ऐसा करें कि अगर लैपटॉप या इनके स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, तो आप इन स्क्रीनशॉट के मुताबिक इन टॉपिक्स जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, टॉपिक 1, 3, 4, 8, 10, 14, 12, 31, 32 और आगे भी हैं, तो इनकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी हुई है। तो ये टॉपिक आप अगर आपने एक भी नहीं किया, अभी कोई भी लेक्चर आपने नहीं लिया, तो फिर भी आप देखें, अगर आपने सारे लेक्चर ले लिए हैं तो फिर भी आपके लिए मिड टर्म में जाने से पहले पहले इनको, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, इनको एक मरतबा ज़रूर रिव्यू कर लें। तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले लें इसका भी, और ये भी दिए हुए हैं आगे भी टॉपिक 32, 37, 38, 41, 43, 45, 55, 56, 73, 81 एंड 85, 95 एंड 97। तो ये मैंने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है आगे। तो इन टॉपिक्स को अगर आपने कोई भी लेक्चर अभी तक नहीं लिया, तो इनको कर लें, तो आपके लिए इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने पूरी वीडियोज़ ली हैं वीडियो की CS 101 की, तो अगर फिर भी आप इन टॉपिक को एक मरतबा ज़रूर देखें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।